फ्रेंड्स, फिलहाल हम लोग का खाना हो गया है। तो हमने लंच में ब्रेड ऑमलेट खाया क्योंकि अभी बस यही अवेलेबल था और 1 आवर पहले ऑर्डर करना है, तो इसीलिए हमारे पास अभी टाइम नहीं है। तो हमने ब्रेड ऑमलेट खाया, एकदम बढ़िया था, मस्त था। अभी मैं आजी को थैंक यू बोलने वाली हूँ क्योंकि बहुत अच्छा बनाया, दिल से बनाया, बहुत अच्छा लगा। तो ये है आजी जिन्होंने बनाया है। आजी ब्रेड ऑमलेट तुम बचना ही दे। ये है आजी, बहुत प्यारी है ना। या शी इज वेरी क्यूट। तो थैंक यू, धन्यवाद गल्लू। बाय आजी। और मार कोट इज बोलते ब्रेड ऑमलेट ना सुनने हम काई बुड़ते इज क्या किया समझ में नहीं गत्तो अट्टा ही तो अच्छा उन्होंने बनाया एक्चुअली, बट ऐसे भी इनका था ना, तो थैंक यू उनको बोलना था ऑब्वियसली। बट यार अच्छा लगा, ये लोग बहुत फ्रेंडली है। तो अभी हम होसाली बेटे के लिए रेडी हो गए, अभी हम जाएंगे होसाली बेटे देखने। ये थार से नहीं हो रही बिल्कुल भी, ये ऑटो से हो रही है और वो भी देखो इलेक्ट्रिक ऑटो। और ऑटो चलाने वाला जो है ना, मेरे हिसाब से एक महान, मतलब महान ड्राइवर है भाई। जब से हम लोग सकलेशपुर आए हैं इतना ऑफ रोडिंग कर रहा है बंदा, मतलब क्या बताऊं मैं। ये देखो भाई रोड देखो, आप लोग ऐसा दूसरे ऑटो ड्राइवर के साथ रिस्क मत लेना, ठीक है। सो अगर इनके साथ आ रहे हो तो ले सकते हो, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, सुबह से हम लोग ना ऑफ रोडिंग ही कर रहे हैं और वो भी इस ऑटो से। जा कैसे रहा है बंदा देखो। एक्चुअली गाड़ी का पार्किंग आगे है, जैसे मैंने आपको दिखाया वहाँ तक गाड़ी आता है, उसके बाद पैदल चल के जाना है, या तो थार या फिर जो ऑफ रोडिंग वाली गाड़ी होती है उससे जाना है। लेकिन हम ना ऑटो से ऑफ रोडिंग कर रहे हैं गाइस। देखो फ्रेंड्स ये रोड देखो, एकदम मतलब भयंकर रोड है ये। फ्रेंड्स मैं होसाली बेटे की तरफ जा रही हूँ। रोड यार कमाल का रोड है यहाँ का, मतलब मजा आ गया, सीरियसली फुल्ली एडवेंचरस। आप लोग कभी भी यहाँ पे आओगे ना बहुत एंजॉय करने वाले हो। तो अभी शाम का 4:30 बज रहा है, तो अभी हम लोग होसाली बेटे की तरफ जा रहे हैं क्योंकि व्यू अच्छा आता है। तो ऑलमोस्ट 3.5 किलोमीटर वॉक करके अभी हम लोग पहुंच गए हैं होसाली बेटे, जो कि ठीक मेरे सामने है। तो अभी हम पीक में चढ़ाई करेंगे, मगर यहाँ पे थोड़ा अभी हम रेस्ट ले रहे हैं क्योंकि काफ़ी थक गए हैं। एंड देन गाइज वी विल गो टू होसाली गुट्टा, जो कि लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा आपको, एकदम पीक है, तो इसमें चढ़ाई और ज़्यादा है, विष्णु ने बताया। तो नेक्स्ट हम वहीं पर जाने वाले हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग मजगे पियेंगे, जिसको इंग्लिश में बटर मिल्क कहते हैं, एकदम फ्रेश है, होम मेड है। देखो अंकल निकाल रहे मज्जे, अंद्रे बेन्ने मज्जे मग नमदु मनेदु मनेदल्ल। हां मने मज्जे बेन्ने बेन्ने इदु बेन्नेदल्ल कनसुत्ते अल्ले। हां नोडि इल्लि बेन्ने बेन्ने इदु। ओह हां फर्स्ट क्लास। ಅಣ್ಣ ಈ ಪ್ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರಿ ಹೋಗೋದು ಹೋಗೋದು ಸನ್ಸೆಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅಣ್ಣ ಓದ್ ವಾ ಅನಿತವ ಆನಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಮಕೋ ಉಸ್ ಪೀಕ್ ಪೆ ಜಾನಾ ಹೈ ದಿಖ್ ರಹಾ ಹೈ ನಾ ಮೈ ಜೂಮ್ ಕರ್ಕೆ ದಿಖಾ ರಹಾ ಹೂ ಉಸ್ ಪೀಕ್ ಪೆ ಜಾನಾ ಹೈ ತೋ ಹಮಕೋ ವಹಾ ಪೆ ಪೂರಾ ಟಾಪ್ ಮೇ ಜಾನಾ ಹೈ ಯೇ ಟ್ರೀ ದೇಖೋ ಯಾರ್ ಕಿತ್ನಾ ಪ್ಯಾರಾ ದಿಖ್ ರಹಾ ಹೈ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೋಟನಾ ಹಾ 8 ಎಕರೆ ಇದೆ ಜಂಗಿ ಜಲ್ದಿ ಸೇ ಅಣ್ಣ ಅಬ ಇಲ್ಲ
ಇಲ್ಲ. ಇದು ತೀನ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗೋ, ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗೋಣ, ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋಣ, ನಿಧಾನ ಬರೋಣ. ಏಕದಮ್ ಪೂರ ಫುಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಮೇಲೆ ಹಂಗೆ. ಟೆನ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಡ. तो फ्रेंड्स अभी 6 बजने वाला है, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, तो हम ना भागते भागते हसाले बेटे पहुंचने वाले हैं अभी. ठीक है, 24 लगी पड़ी है भाई, सांस फूल रहा. वहां से आए हैं और जाना है देखो हसाले बेटे के लिए. अभी तक का मेरा फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस है कि मैं इतने हाइट पे चढ़ी हूँ. आई मीन अभी तक तो पहुँची भी नहीं हूँ, पता नहीं जा पाऊँगी कि नहीं, पता नहीं कितना डिस्टेंस में. विष्णु गाइज, विष्णु मुझे लग रहा चढ़ गया, देखो वो दूर दूर तक दिख नहीं रहा है, मुझे लग रहा पहुँच गया वो. ये मेरी फ्रेंड आधी जाके रुकी हुई है. सो फ्रेंड्स, तो हाफ ऑफ द वे मैं पहुँच चुकी हूँ. व्यू देखिए पीछे का क्या कमाल का है. तो अभी जो हमने मजगी लिया था ना वो चाचा से, तो ये पियेंगे और फिर आगे का जर्नी में दिखाती हूँ. आगे हम इस रोड पे ऊपर और जाने वाले, देखो अभी तक डेस्टिनेशन दिख नहीं रहा. ये देखो रोड है, ये इनकी जोश, इनका जोश देखो गाइस. ये तो एकदम आगे आके खड़ा है, देखो ना उसको तो लग ही नहीं रहा. यहाँ का लोकेलाइट है ना, चढ़ता रहता है हमेशा, आदत है हम लोग को, कहाँ आदत है यार. ठीक है, मैं मजगी पीती हूँ उसके बाद हम ऊपर चढ़ते हैं. ठीक है, आप लोगों को भी दिखाती हूँ, स्टे ट्यून्ड. फ्रेंड वो देखो हमारा फरारी नीचे खड़ा है, दिख रहा है नीचे, देख स्काई कलर में खड़ा है, वो हमारा ही है. लेकिन ये आराम कर रहा है, हम ना बहुत थके हुए हैं भाई, लेकिन व्यू कमाल का है यार यहाँ पे. तो अभी यहाँ से इतना तक चढ़ गई मैं, अभी और स्ट्रेट आगे जाना है. दिखाती हूँ मैं आपको बैक कैमरा में, मेरे घर में वीडियो दिखाना है. फ्रेंड्स विष्णु को बहुत मस्ती चल रही है. उसके हाथ में क्या है देखो, इसके हाथ में क्या है, बटर मिल्क है. पता नहीं ये बटर मिल्क पी पी के कहाँ से एनर्जी लेके आ रहा है इतना. गाइस इसने ना एक बोतल अभी बटर मिल्क लिया है वो उस अंकल से, और बटर मिल्क पी रहा है, बटर मिल्क पी रहा है और ऊपर चले जा रहा है. भाई मेरी तो बात भी लग रही है जुबान में, बट फिर भी मैं हार नहीं मानूंगी और यहाँ तक आई हूँ, तो वहाँ पे जाना है हमको. आई विल नॉट लूज माई होप, आई क्लाइंब अप. जैक एंड जील वेंट अप टू द हिल, बचपन का वो पोएम याद आ गया. फ्रेंड्स पता नहीं YouTube मुझे सपोर्ट करेगा नहीं करेगा, इस ब्लॉग को सपोर्ट करेगा नहीं करेगा, बट मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, भले YouTube मुझे सपोर्ट करे ना करे, जो भी ये ब्लॉग देख रहे आप लोग प्लीज़ इस मुझे सपोर्ट करिएगा. और मैं आखिरी तक हार नहीं मानूंगी, मैं उस ऊंचाई तक पहुँच के रहूँगी. अब मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है गाइज, ये देखो इट्स ऑलमोस्ट देयर, ऑलमोस्ट देयर. तो आप लोग मेरे साथ बने रहो. पता नहीं कहाँ से पर मुझे ब्लॉग बनाते बनाते जोश आ रहा है, मतलब हिम्मत आ रहा है पूरा यार, नहीं चढ़ जाऊँगी इस ब्लॉग के खातिर, तो मुझे चढ़ना ही है ताकि मेरा ब्लॉग कंप्लीट हो. और मेरी एक आदत है कि मैं कोई भी काम स्टार्ट करती हूँ तो एंड तक रुकती नहीं, जब तक वो कम्प्लीट ना हो मैं उस काम को छोड़ती नहीं हूँ. ये देखो आप लोगों से बातें करते करते और करीब आ गई मैं. एक्चुअली फ्रेंड्स रिसेंटली मुझे डॉक्टर ने बताया कि मेरा L4 L5 जो बोन्स है उसमें कुछ इशू हुआ है, डिस्क स्लिप हो गया है कुछ ऐसा बोल रहे थे, जो कि बहुत सीवियर है. तो उसके कारण मैं ज़्यादा वॉक नहीं कर पाती हूँ, ज़्यादा चल नहीं पाती हूँ. बट इसके बावजूद भी मैं आज हसाली बेटे जा रही हूँ पूरा हिम्मत के साथ, ताकि मैं अपने आप को प्रूफ करूँ कि आई कैन डू इट, मैं कर सकती हूँ.
फ्रेंड्स, नाउ आई एम ऑलमोस्ट देयर, बस 200 मीटर्स और है, तो 2-3 मिनट और लगेगा, बस इतना बस और है तो हम पीक पे पहुंच जाएंगे और वहां जाके मैं आपको पूरा व्यू दिखाती हूँ 360 एंगल में, कैसा लगता है। सच बताऊँ तो वाव लग रहा है, ऑसम लग रहा है, इतना थकान हो रही है, इतना जो है पेन हो रहा है, वो पेन फील नहीं हो रहा मगर, क्योंकि ये प्लेस ऐसा है, व्यू ऐसा है ना कि आप सारा पेन भूल जाओगे। वो कहते हैं ना मेहनत का फल मीठा होता है, तो कुछ ऐसा ही। सो फ्रेंड्स, फाइनली आई हैव रीच्ड द होसाली बेट्टे, तो आफ्टर सो मच ऑफ स्ट्रगल, थैंक टू लॉर्ड शिवा, हर हर महादेव, एंड आप लोगों को भी थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो फाइनली आई हैव रीच्ड, आई एम राइट नाउ एट द पीक ऑफ होसाली बेट्टे। गाइस, मैं आप लोगों को व्यू दिखाती हूँ बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि अभी सनसेट है तो थोड़ी देर में शाम हो जाएगी, ठीक है। आप लोग व्यू देखो और इन्जॉय करो गाइस। अभी कुछ ही समय में अंधेरा होने वाला है, इट्स ऑलरेडी 6:15, ये देखो। तो गाइस, सनसेट का लुफ्त उठाते हुए और आप लोगों से बातें करते हुए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। मिलते हैं हमारे अगले ब्लॉग में। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज सपोर्ट माई चैनल, डू शेयर योर सजेशंस, ओपिनियंस कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए, शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। मिलते हैं हमारे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो अभी हम नीचे उतर रहे हैं लेकिन पूरा अंधेरा हो चुका है और रोड भी सही नहीं है, तो इसलिए हमको जल्द से जल्द कोशिश करनी है कि हम अपनी गाड़ी तक पहुंच सकें। बारिश के टाइम में तो स्लिप होगा ना बहुत। हाँ, व्यू तो और नहीं, व्यू मस्त आएगा, व्यू बढ़िया आएगा। मॉर्निंग का भी सनराइज देखने में बहुत अच्छा लगेगा। सनराइज नहीं दिखता है, नहीं दिखता है ना, फॉग के वजह से। फॉग के वजह से नहीं, तो सनसेट दिखता है। अच्छा, ओके ओके, यहाँ पे बस सनसेट दिखता है, सनराइज नहीं दिखता। ओके ओके, अलग है। ओके, कौन सा पॉइंट है सनराइज देखने का? क्या क्या? मंचली। अभी हम ऑफ रोडिंग करते हुए वापस अपने स्टे की तरफ जा रहे हैं। बहुत मजा आया भाई, आज का दिन तो बहुत एंजॉय किया हमने, और बाकी का अपडेट आपको कल मिलेगा। फिलहाल इस ब्लॉग को मैं यही पे एंड कर रही हूँ, मिलते हैं हमारे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।